हेलो बच्चों एम आई ऑडिबल टू यू स्क्रीन इज विजिबल टू यू फटाफट से बता दो स्क्रीन विजिबल है आई एम ऑडिबल टू यू सो दैट वी विल स्टार्ट विद विदेज सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे फटाफट से हाफ चैप्टर ये हमारा हाफ डिलीटेड है तो इस हाफ चैप्टर को डिस्कस करेंगे बच्चे सबसे पहले मतलब हाफ इन द सेंस कि हाफ डिलीटेड है हमारा सिलेबस से और उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस

क्योंकि इकोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक है यहाँ पे तो ओवरव्यू दूंगी सिर्फ सो so देट आपको चीजें क्लियर हो जाए सो so आपको चीजें क्लियर हो जाए तो हम जब किसी भी इकोसिस्टम की इकोलॉजी की बात करते हैं बच्चे तो कहां से स्टार्ट होता है देखो आपने पहले अपनी क्लास इलेवंथ में सेल बायोलॉजी पढ़ा था ठीक है ना तो सेल्स सेल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज टिश्यूज से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम से बना था ऑर्गेनिज्म तो वो उसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन रेड पॉपुलेशन कैट पॉपुलेशन तो ये सारे पॉपुलेशन अब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं बायोटिक कॉम्युनिटी क्या बनाएंगे बायोटिक कॉम्युनिटी बनाएंगे वहां से बनेगी आपकी बायोटिक कॉम्युनिटी अब ये बायोटिक कॉम्युनिटी जब नॉन लिविंग फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी <coughs> तो क्या बनाएगा आपका इकोसिस्टम इकोसिस्टम चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी हर्ष आई एम फाइन बच्चे धैया मिस्टर धैया इनहेरिटेंस के दो टॉपिक बचे तीन टॉपिक बचे वो कल कर लेंगे कल मॉर्निंग में कर लेंगे और उसके बाद फिर कल सारा दिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कल ज्यादा सेशन लेंगे हम ठीक है तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बायोम और बायोम से आपका क्या बनता है बायोस्फेयर बायोम से क्या बनता है फिर बायोस्फेयर बनता है यहाँ एक और टर्म आती है निशे निशे क्या होता है पर्टिकुलर <coughs> है तो उस habitat को हम क्या बोलते हैं का बच्चे करवा दिया है मैंने उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेशन जब लूंगी तो वहां रिवीजन हो जाएगा बच्चे ठीक है तो अब हमने बच्चे क्या पढ़ना है हमने स्टार्ट करना है पॉपुलेशन से क्योंकि ऑर्गेनिज्म पोर्शन जो है वो हमारा

आ रहा है क्योंकि आपका सीबीएसई सैंपल पेपर दो 2023 जो है वहां पे पेडिग्री का क्वेश्चन है हाँ बच्चे ये वीडियो सेशन ये एनफ है आप इसमें जो जो चीज मैं बताऊंगी उसको कर लो तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ठीक है तो हम यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चे जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम इकोलॉजी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो आपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा था तो हम यहाँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आइदर सेक्शुअली और ए सेक्सुअली तो वो हमारा पॉपुलेशन बनाता है अब किसी भी एरिया के पॉपुले हम जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं देखो बच्चे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आएगा अगर आपके पास क्वेश्चन कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है क्या होंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूस निखिल बच्चे ये मैथ्स नहीं है फॉर्मुले बता दिए पंद्रह बीस मिनट में रिविजन हो जाएगा आई डोंट थिंक इज इट पॉसिबल वट यू थिंक नहीं बच्चे आज तक एनसीआर नहीं पढ़ना पड़ेगा बट जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी उनको लर्न करना पड़ेगा सिर्फ उनको लर्न करना पड़ेगा आज ही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बच्चे आज ही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट जब हम पढ़ते हैं बच्चे तो हम थ्री पॉइंट्स की बात करते हैं बर्थ रेट डेथ रेट एंड सेक्स रेशो बर्थ रेट डेथ रेट एंड सेक्स रेशो दीज आर द थ्री पॉपुलेशन एट्रीब्यूट इनके बारे में हम बात करते हैं अ पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट अ पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं

वो रेट की बात हो रही है बच्चे टाइम वन ईयर आफ्टर वन ईयर उसमें ट्वेंटी एट लोटस हो गए मतलब कि एट नए आए तो अब यहाँ पे बर्थ क्या होगा बर्थ रेट क्या होगा बर्थ रेट होगा एट बाय ट्वेंटी मतलब इंक्रीज नंबर कितना नंबर इंक्रीज हुआ अपॉन द ओरिजिनल नंबर विल गिव यू द रेट ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि एक इकोसिस्टम में टू हंड्रेड रैट्स थे कुछ मर गए आपने स्प्रे किया कुछ मर गए और बचे वन एटी रैट्स आफ्टर द गिवन टाइम इंटरवल तो उसमें डेथ रेट आएगा जब पॉपुलेशन कम हो रही है तो डेथ रेट निकालेंगे डेथ रेट क्या होगा बता दो बच्चे। प्रत्याशी बच्चे मैंने आज एक मॉर्निंग में वीडियो डाला है उसमें ट्वेंटी थ्री टॉपिक्स बताए हैं उसमें एवोल्यूशन छूट गया था बच्चे तो एवोल्यूशन में हार्डिबिनब होमोलोगस एनालोगस और एडेप्टिव रेडिएशन हार्डिबिनब प्रिंसिपल होमोलोगस ऑर्गन एनालोग रेडिएशन ये टॉपिक एड कर लोगे तो ट्वेंटी फाइव टोटल टॉपिक्स होते हैं उनको रट जाओ पास हो जाओगे ठीक है डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो डेथ रेट आएगा वन एट्टी बाय टू हंड्रेड डेथ रेट क्या आएगा वन एट्टी बाय टू हंड्रेड तो ये कितना बनेगा आपका नाइन बाय टेन पॉइंट नाइन कराएंगे बच्चे निखिल करा देंगे मैथ्स देख लो तुम अपना सब कितना अच्छा है ट्वेंटी ट्वेंटी क्या लिख रहे हो ये ट्वेंटी सॉरी ओके आई एम रॉन्ग हेयर ठीक है बच्चा इट इज ट्वेंटी बाई टू हंड्रेड आई एम रॉन्गर आई एम रॉन्ग मेरा मैथ्स खराब हो गया ठीक है इट इज पॉइंट वन यस 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 वन एट्टी बाई टू हंड्रेड नहीं होगा बच्चे इंक्रीज लिखते हैं कितना इंक्रीज हुआ है तो ट्वेंटी इनक्रीज हुआ है वन एट्टी अभी है क्लियर हुआ अमृता <coughs> सिंह जी एज डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा उसको भी करेंगे जस्ट वेट थोड़ा सा हाँ जी विधि पता चल गया अब आता है सेक्स रेशो सेक्स रेशो की डेफिनेशन याद करो ठीक है तो फिर तभी आपका ये पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स पर थाउजेंड मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशो ध्यान से समझना बच्चे मैं फिर बता रही हूँ जब भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पूछेंगे तो आपने तीन पॉइंट लिखने हैं बर्थ रेट डेथ रेट एंड सेक्स रेशो और इससे निकालने के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट आएगा तो करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चैप्टर की बात करें तो थ्री टू फोर मार्क्स का ये चैप्टर आपका रहने वाला है थ्री टू फोर मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है और कोई फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा टू और थ्री मार्क्स में टू मार्क्स में जनरली इसका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशो वेरी गुड देवांशी अब आ जाओ बच्चे अब पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो पॉपुलेशन में हम पढ़ते हैं एज पिरामिड्स डोंट गेट कंफ्यूज विद द डोंट गेट कंफ्यूज विद द इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने इकोसिस्टम चैप्टर में जहां पे हमने पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की है लेकिन यहाँ पे जो एज पिरामिड की बात हो रही है जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे पॉपुलेशन तो में हम हमेशा एज पिरामिड्स बनाएंगे बच्चे एज पॉपुलेशन का स्टेबल पॉपुलेशन का डिक्लाइनिंग का। समझना होगा कि हमने इनको कैसे पहचाना तो देखो जब एज पिरामिड बना रहे हैं तो एज ग्रुप तीन है हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव मतलब चाइल्डहुड की बात हो रही है रिप्रोडक्टिव मतलब adult, की बात हो रही है तो अब जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं और रिप्रोडक्टिव उसके कंपैरिजन में कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का कोई लेना देना नहीं है एज पिरामिड से ग्रोथ ऑफ एज से पॉपुलेशन से तो अब एक्सपेंड ध्यान से सुनना प्री रिप्रोडक्टिव ए इंडिविजुअल्स ज्यादा है रिप्रोडक्टिव तो आज अभी के टाइम अगर मैं इस तरह से इसको बनाऊं कि अभी के टाइम पे पंद्रह लोग चाइल्डहुड में आ रहे हैं और दस लोग रिप्रोडक्शन एज में आ रहे हैं तो अभी टेन पीपल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बट आने वाले टाइम में ये चाइल्डहुड जब रिप्रोडक्टिव में चेंज हो जाएगा तो लोग होंगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे तो ग्रोथ बर्थ रेट बढ़ेगा ना तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी मुझे बायो का पेपर बोर्ड का बढ़िया आता है अच्छा सा कंसेप्चुअल पेपर आएगा

सुंदर बनाया वो नहीं देखा जाएगा सुंदर बनाया वो नहीं देखा जाएगा लेबलिंग प्रॉपर हाँ समझ आना चाहिए अगर मैं आपको कह रही हूँ कि टेस्टिस का डायग्राम बना तो इट शुड लुक लाइक द टेस्ट इज ओनली ठीक है अब ओवरी जैसा नहीं दिखना चाहिए और साथ में लेबलिंग प्रॉपर हो काम चलेगा बच्चे आ जाते हैं फिर से एज पिरामिड्स पे तो इस पॉपुलेशन में मैंने यहाँ बात की कि जब आने वाले टाइम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस बढ़ जाएंगे क्योंकि -reproductive reproductive से है, तो इसकी शेप कैसी बोलूंगी मैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की क्या शेप कैसी है चैट में बताओ शुभम जी तैयार है तो डरने की जरूरत नहीं स्टैंडर्ड आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करो बस कि किस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेबल पॉपुलेशन अब देखो जब रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सेम है मतलब अभी भी पंद्रह लोग हैं रिप्रोडक्टिव एज में और आने वाले टाइम में भी पंद्रह लोग रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विल रिमेन स्टेबल शेप क्या होगी स्टेबल पॉपुलेशन की फिर डिक्लाइनिंग बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दस हैं तो रिप्रोडक्टिव पंद्रह आने वाले टाइम में ये दस लोग रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे जबकि अभी पंद्रह थे तो अब वो चेंज हो जाएगा तो फिफ्टीन से टेन हो जाएगा तो दैट इज डिक्लाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन डिकलाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन अपराइड नहीं बोलेंगे बच्चे इसे यस yes. हम एक्सपैंडिंग के लिए वर्ड यूज करेंगे अच्छा मैं चलो ऑप्शन देती हूं ऑप्शन है इनमें से एक इनमें से एक बेलशेप है इनमें से एक बेल शेप है एक आन शेप है एक ट्राइंगुलर है दे दिया आप तो इससे ज्यादा क्या तेज बोलू बच्चे मेरी मेरी आवाज तेज है हां जी एक्सपेंडिंग कौन सा होगा स्टेबल शेप एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग वाला ट्राइंगुलर है स्टेबल वाला शेप्ड है बेल मतलब वो मंदिर में बेल होती है ना वो वाला ठीक है और डिक्लाइनिंग शेप है वेरी गुड बहुत अच्छे गुड तो ये है हमारा एज पिरामिड्स एज पिरामिड्स यहां पे क्वेश्चन आ सकता है के स्टडी की फॉर्म में अब बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ हम किसी भी एक एरिया में हमें उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना हो द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स एस अबाउट द स्टेटस ऑफ दैट हैबिटेट, अच्छा हैबिटेट कौन सा कहलाएगा जहाँ पे पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है स्टेबल है इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो पॉपुलेशन का साइज बहुत मैटर करता है एक हैबिटेट को जमा समझने के लिए पॉपुलेशन साइज इज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन साइज इज टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज द पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन होती है वो को करने के तरीके ढूंढते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाएगा कैसे मां? पता चलेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए बच्चे <coughs> एक तो एक का क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू इनिशियल इंडिविजुअल्स प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन दूसरी कंट्री से हमारे मतलब जो दूसरे एरिया से हमारे एरिया में आए जैसे कि दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आए इम्पोर्ट हुए इमिग्रेशन प्लस डेथ रेट प्लस सॉरी माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन जो एक्सपोर्ट कर दिए बाहर भेज दिए हमने कनाडा चले गए ऑस्ट्रेलिया चले गए तो उनको माइनस कर देंगे तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा हाँ जी बच्चे पॉपुलेशन शेप पे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए कराया है अभी मुझे एक बात बताओ हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करनी है किसी भी एरिया की तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हमारे अब चार फैक्टर कौन कौन से हो गए पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हमारे चार फैक्टर्स कौन कौन से हुए फोर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या क्या होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ग्रोथ पहले के बारे में बात करते हैं मुझे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं फिर डेंसिटी पे आते हैं ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन बी गिवन द दिस और किस पे डिपेंड करता है बर्थ रेट डेथ रेट नटैलिटी एंड ईमाइ्रेशन देखो कंफ्यूज मत होना कंफ्यूज मत होना अगर बोला है पॉपुलेशन <coughs> एट्रीब्यूट तो बर्थ रेट डेथ रेट सेक्स रेशो और अगर बोला है पॉपुलेशन ग्रोथ तो पॉपुलेशन डिपेंड ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द फोर फैक्टर्स नेटेलिटी मोटेलिटी इमिग्रेशन एंड ईमाइ्रेशन अभी मुझे एक बात बताओ कि जहां पे जिस एरिया में मैं पॉपुलेशन को नंबर में काउंट नहीं कर सकती हूँ एक फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट में टाइगर्स कितने हैं कैसे काउंट करूं टाइगर जब अपने डेन में बैठा उसके डैन में चले जाऊंगे और वहां काउंट करके आएंगे इज इट पॉसिबल उंट दंबर ऑफ टाइगर ऑफ फॉरस्ट इन टाइगर या फिर एक कल्चर मीडिया है कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया का नंबर कल्चर मीडिया आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराया एक छोटी सी प्लेट में थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे तो उस बैक्टीरिया को कैसे काउंट करोगे यस वेरी गुड टाइगर के लिए हम उसका क्या करेंगे फीकल डिटर्मिनेशन करेंगे फीकल डिटर्मिनेशन करेंगे या फिर उसके पग मार्क्स पग मार्क्स मतलब पैरों के निशानों से आइडेंटिफाई करेंगे पैर के निशान कभी तो बाहर पानी पीने आएगा किसी को खाने आएगा तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे पग मार्क से मिस्टर सलमान खान हमें तो ऐसे ही पढ़ाना आता है भाई आपको अच्छा लगे तो पढ़ लो थोड़े से एरिया में काउंट करके दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम किसी भी चीज को थोड़े से एरिया से काउंट करके उसको वो मैथ्स में कहते इंटीग्रेट कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी ओके नंबर ऑफ फिशेस नंबर ऑफ फिशेस सी अब सी में बॉटम पे कितनी फिशेस हैं वो कैसे बताओगे कैसे बताओगे तो उसको भी बताने का एक ही तरीका है कि आपने नेट डाला जिस एरिया से फिशेस ज्यादा आई वहां पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है और जहां कम आई तो वहां फिशिज की डेंसिटी कम है तो उस केस में हम डेंसिटी बताएंगे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है कि एक बनियन ट्री है। एक बनियन बनियन ट्री ट्री है 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 और बहुत सारी है, ग्रास ठीक है टू हंड्रेड कैरेट ग्रास बायो तो आप क्या कहोगे कि डेंसिटी ऑफ कैरेट ग्रास ज्यादा है या डेंसिटी ऑफ बनियन ट्री ज्यादा है तो उस केस में भी बच्चे जहां पे साइज में वेरिएशन है तो हम तब भी नंबर से नहीं बताएंगे तब हम कैसे बताएंगे बायोमास से बताएं एक बनियन ट्री का इतना बड़ा फैल के कैनोपी बनेगा और ग्रासेस वो इतनी टू हंड्रेड ग्रासेस भी इतना सा बायोमास लेके आएंगी तो तब हम कैसे बात करेंगे हम बायोमास डिटर्मिनेशन करेंगे क्या करेंगे बायोमास डिटर्मिनेशन करेंगे बायोमास डिटर्मिनेशन करेंगे क्लियर है अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ जरा फटाफट से फटाफट से मुझे एक बात बताते जाओ कि अगर मुझे बनियन ट्री और कैरेट ग्रास का पॉपुलेशन बताना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी थ्रू बायोमास के थ्रू क्लियर है और अगर टाइगर के बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी फिकल डिटर्मिनेशन और पग मार्क्स टाइगर की पॉपुलेशन को मुझे काउंट करना है अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ बच्चे अपनी बुक में ताकि आप इनको अच्छे से याद कर लोगे देखो क्या लिखा है कि 200 हंड्रेड कैरेट ग्लास थे कैरेट ग्लास थे पार्थिनियम थे बट ओनली सिंगल ह्यूज बनियन ट्री ठीक है तो अमाउंट हम इनको अंडरस्टैंड करने के लिए case, हम से वहां नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जब बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हो पैट्री प्लेट में तो आप कैसे बताओगे टू नो एब्सोल्यूट डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी मेथड लगाओगे क्या लगाओगे रिलेटिव जैसे अभी मैंने के, के केस में बताया कि आपने एक नेट डाला जहां पे फिशेस ज्यादा मिली तो वहां ज्यादा है दूसरी जगह कम है ज्यादा कम बता सकते हो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हो एस्टिमेट कर सकते हो ठीक है और ऐसे टाइगर सेंसेस के लिए क्या करोगे उसके पैरों के निशान पग मार्क्स और फीकलट से डिटर्मिनेट करोगे यू कैन नॉट काउंट बचे बैक्टीरिया तो इस केस में आप रिलेटिव डेंसिटी लगाओगे कि यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा दिख रहा है तो यहां ज्यादा है यहां कम है बस रिलेटिव मेथड लगा सकते हो यू कैन नॉट काउंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर आदित्य बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर पाएंगे अब आ जाओ पॉपुलेशन ग्रोथ जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि बर्थ रेट रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को बताने के लिए हम किसी भी पॉपुलेशन की क्या देखेंगे रेट देखेंगे डेथ रेट देखेंगे बर्थ रेट देखेंगे डेथ रेट देखेंगे नटैलिटी मोटेलिटी इमिग्रेशन एंड इमाइ्रेशन इमिग्रेशन इम्पोर्ट कर दिया बाहर भेज दिया कोई बाहर चला गया ये एक पॉपुलेशन ए थी ये एक पॉपुलेशन बी थी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंडिविजुअल्स थे ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे थ्री थाउजेंड इंडिविजुअल्स थे कुछ लोग यहाँ से आ गए इधर तो ए पॉपुलेशन के लिए हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ यहाँ आए हैं तो यहाँ इमिग्रेशन हुआ है यहाँ ए में इमीग्रेशन हुआ है इमीग्रेशन और यहाँ क्या हुआ है इमिग्रेशन हुआ है मतलब यहाँ से आई फॉर इमीग्रेशन आई से इम्पोर्ट हुए हैं भेज दिए बाहर और यहाँ एक्सपोर्ट हुए हैं यहाँ आ गए जहाँ इम्पोर्ट हुए हैं वहाँ हम माइनस करेंगे और जहाँ एक्सपोर्ट हुए हैं वहाँ हम एड करेंगे ग्रोथ बच्चे मतलब जब बबीता बच्चे जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो नंबर की बात करेंगे और डेंसिटी की बात करेंगे तो हम रिलेटिव की बात रिलेटिविटी की बात करेंगे जैसे एक घर में दो घर हैं आपके पड़ोस में ए, एक जैसे हैं और एक घर में कुछ पचास लोग रहते हैं और दूसरे घर में कुछ दस लोग रहते हैं आप नंबर से इसको डिफाइन नहीं करना चाह रहे बिकॉज एग्जैक्ट नंबर चलो आपको नहीं पता है नियर बाय कुछ फिफ्ट तो आप कहोगे ना जहाँ ज्यादा रहते हैं तो वहां की डेंसिटी ज्यादा और वहां की कम है ठीक है ज़्यादा कम ये बता पाएंगे दैट इज डेंसिटी डेफिनेटली बच्चे करेंगे डेफिनेटली करेंगे ओके ओके सॉरी बच्चे हाँ गड़बड़ कर दिया आज तुम लोगों के कमेंट्स मुझे गड़बड़ करा रहे हैं उल्टा लिख दिया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इमिग्र मतलब नंबर ऑफ सेम इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेस सेम स्पीशीज दैट कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर जब कहीं से आए हैं ठीक है तो यहां पे होगा एमिग्रेशन और यहां होगा इमिग्रेशन ठीक है मतलब यहां होगा माइनस और यहां होगा एडिशन दैट इज प्लस क्लियर विजन ऑफ पीस बच्चे पेपर अच्छा आएगा पेपर से कोई दिक्कत नहीं होगी ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था आपको यह फॉर्मूला लर्न करना है और इस इसपे क्वेश्चन करने हैं बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है आपके एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है बच्चे आप देख सकते हो रैट्स है उसमें रैट का इमिग्रेशन डेथ रेट बर्थ रेट दिखाया है चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देती हूँ अभी क्वेश्चन बना के देती हूँ देर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कितने लाइव लोग हैं नाइन्टी सेवन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ नाइन्टी सेवन बॉयस एंड बॉयज फाइट विद ईच अदर कल क्वेश्चन आ रहा है परसों ये पेपर में एंड लेफ्ट द ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप था लेफ्ट कर दिया

पॉपुलेशन एट टाइम टी प्लस वन बर्थ रेट बर्थ रेट नहीं बता सकते अब इसको बर्थ रेट नहीं कहेंगे ज्वाइनिंग रेट ठीक है और रेट ऑफ लिविंग द ग्रुप बता दो फटाफट से बच्चे बच्चे गैस पेपर कुछ नहीं होता है गैस पेपर दे देना फिर पेपर आना नहीं है और तुम लोगों ने कहना भाई मैम ने तो ऐसे बताया भाई पेपर तो किसी ने नहीं, नहीं बनाया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता सकते हैं <coughs> पैटर्न को स्टडी करके बच्चे वो भी सच्चाई ये होती है कि पैटर्न को स्टडी किया जाता है कि पिछले चार पाँच सालों में क्या आया है किस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो उस पैटर्न पर हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी गैस कुछ नहीं होती है ठीक है चलो फटाफट से चैट में ना एन प्लस टी वन एन टी प्लस रेट ऑफ लिविंग द ग्रुप बता दो पे हाँ ये गारंटी है बच्चे कि जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लो तो पेपर अच्छा हो जाएगा सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा वीडियो में जो बताया गया उसको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है चीजें सुन के अच्छी लग रही है बट उनको लिखने के लिए आपको याद भी होनी चाहिए पेपर हो जाएगा इलेवन ज्वाइनिंग रेट बताओ रेट ए नाइन्टी नाइन ए नाइन्टी नाइन बी बी कितना आया सेकेंड का आंसर क्या आया एलेवन बाई नाइन अब ये बताना कौन मुझे इलेवन बाई नाइन्टी सेवन को डिवाइड करके दिखाएगा नाइन बाई नाइन्टी नाइन बाई नाइन्टी सेवन भाई डिवाइड भी कर लो छोड़ देना पेपर में इतना टाइम मत लगाना डोंट वेस्ट योर टाइम देयर अगर ऐसा आ जाता है तो ठीक है दृष्टि बच्चे कुछ भी नहीं किया इसमें हमने नॉर्मल पॉपुलेशन में बर्थ रेट मतलब जो ऐड हुए उनको ऐड कर दिया जो लेफ्ट किया उनको माइनस कर दिया तो बन गया नाइनटी नाइन नाइन्ट। ज्वाइनिंग रेट ज्वाइनिंग रेट जितनों ने ज्वाइन किया ओपन ओरिजिनल पॉपुलेशन लेफ्ट रेट जितनों ने लीव किया ओपन ओरिजिनल पॉपुलेशन ठीक है प्रगति जी एटाविज्म में आता है और एवोल्यूशन में आता है और वो हमारे सिलेबस में रिवर्सल ऑफ ऑर्गन है जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में नहीं है मतलब तो फंक्शनल नहीं है हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करते थे जैसे अपियरेंस ऑफ टेल इन अ बॉय बेबीज ठीक है रिवर्सल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज कॉल्ड एटाविज्म वेरी गुड बच्चे अच्छा एट पॉइंट एट वन एट वन एट नॉन टर्मिनेटिंग बन गया आ जाओ यहां से क्वेश्चन आने की गारंटी फिर से फिर से क्वेश्चन आने की गारंटी मतलब डिलीटेड पोर्शन है थोड़ा थोड़ा तो थो बचा ही है तो वहां से क्वेश्चन ग्रोथ मॉडल्स की जब हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स की बात करते हैं ग्रोथ को देखने के लिए तो दो तरह के मॉडल हैं बच्चे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है जब रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड हम कहते हैं किसी एक एरिया में रिसोर्सेज जो है ना वो अनलिमिटेड हो जाएंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो कि एक सुनने में हो ही नहीं सकता फूड एंड स्पेसिस अनलिमिटेड तो ये अनरियलिस्टिक कंडीशन है अनरियलिस्टिक कंडीशन है तो ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी और ग्राफ कैसा आएगा इसका जे शेप आएगा ग्राफ कैसा आएगा जे शेप आएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो रिसोर्सेज यहाँ क्या होते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं Obviously, food and space. Resources का मतलब यहां पे क्या है food and space. एक के के लिए individual के लिए resources क्या होंगे फूड एंड स्पेस मुझे अनु हमने ह्यूमन वेल्थ केयर के मैंने टेलीग्राम चैनल पे और वन शॉट शेयर किए हैं बच्चे वहां से देख सकते हो आप ओके okay, प्रगति बच्चे अगर पेपर में दिया है तो मैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी रियलिस्टिक रियलिस्टिक कंडीशन है क्योंकि फूड एंड स्पेस तो यहाँ पे एस शेप ग्राफ आएगा यहाँ क्या आएगा एस शेप ग्राफ आएगा क्योंकि

अब यहाँ ग्रोथ को पहले ग्राफ को देखते हैं ये देखो ये जो ग्राफ है बच्चे आपका ये जो ग्राफ है ये ए ये ए वाला जो ग्राफ है ये आपका एक्सपोनेंशियल जे शेप एक्सपोनेंशियल को शो कर रहा है और ये बी वाला किसको शो कर रहा है लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व को शो कर रहा है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है बच्चे आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में

डेथ रेट बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आर की वैल्यू याद कर लो वह पूछ ले सकते हैं R की वैल्यू फॉर द सम अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर फॉर द नॉर्वे रैट इज 0.015 जीरो फॉर द फ्लोर बीट बीटल इज पॉइंट वन टू ठीक है और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो आर की वैल्यू क्या थी वो थी पॉइंट जीरो टू जीरो फाइव आज तक नहीं पूछा है स्टिल आप एक बार आइडिया लेके जाओ एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू में पहचान पाओ अदरवाइज तो आपको बर्थ रेट रेट निकालना आर की वैल्यू निकालने आ सकती है birth rate और आपसे वैल्यू पूछ लेंगे प्रगति बच्चे, कल से जो सेशन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वो बोर्ड पे ही होंगे क्योंकि ये थ्योरी के चैप्टर्स थे हमें एनसीईआरटी रीड करनी थी like ठीक है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आपका ग्राफ कैसा आता है ये जे शेप ग्राफ मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक टाइम पे आगे एकदम से इंक्रीज कर जाएंगे बैक्टीरिया के केस में हो सकता है अदरवाइज दैट इज नॉन रियलिस्टिक कंडीशन ठीक है आर की वैल्यू को काउंट कर सकते हो आप बर्थ रेट और आपको बर्थ रेट डेथ रेट काउंट करना आता है उनको माइनस करके आर की वैल्यू काउंट कर लोगे फिर आया आपका ये इक्वेशन ये इक्वेशन क्या है बच्चे तो ये जो आपकी पहले वाली इक्वेशन थी ना वो जो पहले वाली इक्वेशन थी ये वही इक्वेशन है बच्चे बस उसको अब एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख दिया एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी मतलब उसकी लॉगिस्टिक वैल्यू लिख दी लॉग बेस में लिख दिया आप याद कर लेना आपको निकालने की जरूरत नहीं है फिर आया आपका जो लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसमें जो इक्वेशन है वो क्या है डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के वट इज के हेयर तो के हेयर इज कैरिंग कैपेसिटी के हेयर इज कैरिंग

कैरिंग कैपेसिटी बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आता है ये ग्राफ होता है ये इक्वेशन हटा दी जाती है यहाँ से फिर पूछते हैं ए और बी में से रियलिस्टिक कौन है आप कहते हो बी वाला इसकी इक्वेशन क्या होगी लिख दोगे फिर कहेंगे इस इक्वेशन में ये के क्या है कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन कैन कैरी इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी थैंक यू प्रगति बच्चे ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल का ये एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ का बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप ये पॉइंट्स याद कर लो और ग्राफ याद कर लो तो हो जाए मतलब इक्वेशन याद कर लो एंड ये पॉइंट याद कर लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर यस पीयूष नीट भी पढ़ाते हैं यहां आ जाओ डार्विन के बारे में बात करते हैं

मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करेंगे तो बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना सिंपल मैथमेटिक्स है है बच्चे आर क्या होता बी माइनस डी पे बर्थ रेट ज्यादा होगा एज कम और डेथ रेट कम होगा तो वो स्टेबल पॉपुलेशन है वो रिप्रोड्यूसिंग फिट सर्वाइवल उसमें है हैडेप्टेशन की है तो वैल्यू ऑफ आर क्या मिलेगी हाई ही मिलेगी ठीक है तो हाई डार्विन फ में आर वैल्यू क्या मिलेगी हमेशा हाई मिलेगी ये बात आपको याद रखनी है सिंपल सी बात है

ठीक है तो ये एग्जाम्पल इस पॉइंट में यहां पे इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हाउ ह्यूमन फॉलो एक्सपोनशियल ग्रोथ स्टडी जर्नल आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो ह्यूमन नेवर फॉलो द एक्सपोनशियल ग्रोथ ह्यूमन फॉलो दिग्मोइड एक एरिया में रिसोर्सेस के बेसिस पे हम फॉलो करते हैं अब पाकिस्तान की ही बात ले लो वहां पे बेसिक नीड्स के रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है नहीं ना रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर लिमिटेड खत्म हो जाएंगे तो उससे ज्यादा पॉपुलेशन को वो कैरी नहीं कर पाएंगे इंडिया को मतलब इंडिया वाले तो रिसोर्सेज को ही बढ़ाए जा रहे हैं ना ठीक है रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है रिसोर्स जहाँ लिमिटेड हो जाएंगे तो वहां ग्राफ होगा यस yes. अब देखो इसका मैं आपको रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल देती हूँ मुझे ठीक है इसका एग्जाम्पल देती हूँ एक क्या एग्जाम्पल लेते हैं ये एक एरिया था हमारा इसमें ग्रास थी बहुत सॉरी ठीक है और इस ग्रास पे इस ग्रास पे टोटोइड ने फीड करना था करता रहेगा अगले दस साल तक ये ग्रास सफिशियंट है टोटोइड के लिए लेकिन टेन ईयरस तक उसके बाद खत्म हो जाएगी हमें और ग्रास लानी पड़ेगी और अगर बाई चांस गलती से यहां पे कोई गोट आ गई तो, तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक ही दिन में सारी वो ग्रास खा जाएगी लिमिट अनलिमिटेड तो कहां रहे खत्म हो गए ठीक है रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज वेरी गुड उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे सभी पहले अभी याद करेंगे कि पॉपुलेशन इंट्रेक्शन क्या होता है तो पॉपुलेशन इंट्रेक्शन मतलब जब दो डिफरेंट स्पीशीज टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एन इंडिविजुअल इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड आईदर बोथ आर गेट बिंग बेनिफिटेड

सर्वाइवल के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन व्हेन बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड इट इज म्यूचुअलिज्म चलो पहले मैं आपको एग्जांपल्स आपसे पूछती हूँ फिर मैं बताऊंगी म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल लिख दो चैट में याद भी तो कराना है ना साथ-साथ राइट द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इन अ चैट 24 बचे मॉलिक्यूलर बेसिस के तीन टॉपिक सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन एंड लैकोप्रोन आ चुका है ऑलरेडी चेक राधिका क्लासेस बायोलॉजी चैनल एंड थ्री टॉपिक्स रह गए हैं वो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे यूका एंड मोथ वेरी गुड मोथ यूका एंड यूका एंड मोथ सेकंड चैप्टर में पढ़ा था यूका प्लांट और मोथ मोथ जो है अपना एग ले करने के लिए युका प्लांट में जाता है और बदले में युका प्लांट की पॉलिनेशन करा देता है तो जहां पॉलिनेशन हो रही है वो म्यूचुअलिज्म होगा लाइकंस लाइकंस वेरी गुड वैस्प पॉलिनेटिंग फिग इन फ्लोरोसेंस होगा बच्चे वैस्प पॉलिनेटिंग फिग इन फ्लोरोसेंस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन दैट इज म्यूचुअलिज्म यस एनी पोलिनेटर और प्लांट पोलिनेटर रिलेशनशिप इज अ

चैट में लिखो फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म। अभी आ जाओ कंपटीशन चैट में लिखने वालों के 95 बराबर आएंगे मार्क्स यस राइजोबियम विद रूट नोड्यूल्स रूट नोड्यूल्स इन अ राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंबायोसिस म्युचुअलिज्म एल्गी प्लस फंगस इज लाइकंस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद फंगस इज म्यूचुअली वो माइकोराइजा मिस्टर राहुल चौधरी सर सर के पेपर खत्म हो गए ना सर ने पढ़ा लिया गोट एंड टॉर्टोइज का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो कंपटीशन का ही था टॉर्टोइज बेचारा खुद से ऐसे सरवाइव कर रहा था बहुत अच्छे से लेकिन गोट्स ने आके उस क्योंकि गोट्स की ग्रेजिंग efficiency बहुत ज्यादा थी तो क्या किया पूरी ग्रासेस खा ली दोनों में कंपटीशन हुआ दोनों में से एक जीते कंपटीशन जब भी होता है बच्चे एक जीतेगा एक हारेगा ये याद रखो जू प्लैक्टन किसके एग्जाम्पल लिख रहे हो बच्चे आप flamingos एंड fishes कंपीट फॉर each अदर पीयूष को नीट के लिए पढ़ना है बच्चे बात करेंगे उस पर भी अभी तो पहले सी दे लो पीयूष आई विल लेट यू नो नीट का भी कुछ शुरू करते हैं यहाँ ओम शिव अवस्थी जी राधिका क्लासेस बायोलॉजी चैनल देखो वहाँ पे मिलेंगे थोड़े से सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे हमारे जाके सब्सक्राइब भी कर दो और देखो मिलेंगे यस कॉनल एलिगेंट फील्ड एंड बैलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिशन चलो अभी फिर प्रिडेशन बता दो फटाफट से बताओ ताकि हम डिस्कस भी कर पाए प्रिडेशन प्रिडेशन के एग्जाम्पल बता पाओगे ब्रीफ नॉलेज पायरो वगैरह कौन सा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन शो कर रहा है प्लीज एक्सप्लेन मी यस फूड चेन में कोई भी चीज ले लो जब प्रिडेटर ईटिंग प्रे मतलब बड़ा वाला एनिमल छोटे वाले को खा रहा है तो वो प्रीडेशन है ओके विद फिश फॉर दूप लैंगट यस इट इज क्लियर लॉ डियर ओके पैरासिटिज्म में मुझे बाकी नहीं आप ब्रूड तीन तरह का है लेकिन आप मुझे पैरासिटिज्म का बता दो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल बता दो उसके बाद कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल बता दो लेकिन कमेंसलिज्म है कि सभी को एक नया एग्जाम्पल लिख दिया जिसने एक एग्जाम्पल लिख दिया यू कैन नॉट रिपीट यू कैन नॉट रिपीट अदर्स एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले पहले कौन कौन लिख के देता है यू कैन नॉट रिपीट

ब्लैक वॉलट सनफ्लावर वेल्स एंड बार्निकल्स सी एनिमोन सी एनिमोन किसके साथ अपूर्वा सी एनिमोन किसके साथ Ket, अर्गट कैटल गोट एंड ग्रास कमें ग्रास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कार्प सी अर्गट ओके okay. <laughs> सब ने चलो बच्चे देखो प्रगति इसी बहाने सबकी एनसीईआरटी याद हो रही है यहां जो लिख दिया ना वो याद हो जाएगा भूलेगा नहीं अमेंसलिज्म का एक ही एग्जाम्पल है बताएगा कोई अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल मुझे एनि वन एनीमोन क्लाउन फिश तुषार जी माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट्स डाल चुकी हूं जो पहले से ही बनाए हुए थे वन शॉट्स तो रिकॉर्डेड हैं तो आप उनको देख लो ऑर्चिड्स मैं का एग्जांपल कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है पेंसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक आप लिख सकते हो ठीक है चलो अब बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करने में प्रीडेशन का क्या मतलब होता है बच्चे प्रीडेशन का मतलब होता है कि जब एक बड़े वाला ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर जिसे हम कह रहे हैं वो छोटे वाले ऑर्गेनिज्म प्रे को खा रहा है मतलब एक फूड चेन की बात कर रहे हैं प्रीडेटर ईटिंग प्रे इसका प्रीडेशन क्या प्रीडेशन बहुत जरूरी है तो जब कोई एक एनिमल दूसरे को पूरा खा जा रहा है हार्म नहीं कर रहा है, खा जा रहा है तो दैट इज प्रीडेशन ठीक है मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खा रहा है तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अ फूड चेन इसके अलावा पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ फूड का हमारा प्रिडेशन का तो एनर्जी ट्रांसफर दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल

ंग टरफुल्ला is, is in और जहाँ आया पूरी हमारी लेक पे फैल जाता है। और प्लांट होते हैं उनको खत्म करता है जैसे की नील पर्थ की हमने कल बात की थी लेक विक्टोरिया में सारी चिले टू हंड्रेड डिफरेंट स्पीशीज को फिशेज सुंदर सुंदर कलरफुल फिशीज को खत्म कर दिया क्यों क्योंकि वहां पे उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था इसीलिए ऐसा होता है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड

ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपसे क्वेश्चन आएगा वट इज द रोल ऑफ प्रीडेटर्स इन इको सिस्टम टू एंड ऑल्सो हेल्प इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी बच्चे टेरर ऑफ बेंगोल सर ऑफ बेंगोल वॉटर हाईसिंथ बच्चे वॉटर हाई सिंथ की बात हो रही है अब देखो यहां उसके बाद बात हो रही है कि द स्टारफिश डिजास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है अमेरिकन स्पेसिफिक कोस्ट का ठीक है और व्हाइल व्हेन द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम द एनक्लोज्ड एरिया मोर देन टेन स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज़ ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ा डिजास्टर फिश था डिजास्टर फिश था ठीक है ये क्या था प्रीडेटर था प्रीडेटर था इस प्रीडेटर को रिमूव कर दिया प्रीडेटर को रिमूव कर दिया तो जो दस स्पीशीज थी ना की उस इकोसिस्टम में, वो सब खत्म होगी क्यों खत्म होगी बिकॉज ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ उनके बीच में जो नहीं होना चाहिए था ठीक है एग्जाम्पल को याद रखोगे पूछा जा सकता है पेपर में करोगे ना तो प्रिडेटर को बचने के लिए कुछ डिफेंस मैके फॉलो करता है तो वो क्या है प्रे स्पीसी इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन प्रिडेटर से बचने के लिए पहला कैमोफ्लेज अपना कलर चेंज कर लिया सराउंडिंग के जैसा कलर कर लिया ताकि प्रीडेटर हमें पहचान ही ना पाए क्लियर और मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है देखो मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल बहुत ही गंदा टेस्ट होता है इसका क्यों क्योंकि उसने अपनी ब, लार्वल स्टेज पे वो एक ऐसे प्लांट पे फीड करती है जिससे वो एक ऐसा के, केमिकल ले लेती है पॉइजनस वीड पे फीड करके ताकि उसका प्रीडेटर उसे ना खाए क्योंकि वो पॉइजनस हो जाए डिस्टेस्टफुल हो जाए ठीक ऐसे ही

प्लांट्स ने भी हरबी बोरी से बचने के लिए हरबी बोरी से बचने के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें पहला मोर्फोलॉजिकल मेथड क्या है अकेशिया और केशिया में क्या होते हैं कांटे कैटल खाने आ रहे हैं उसको कांटे चुभेंगे तो वो ऐसे प्लांट पे फीड ही नहीं करेगी ना और वो अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है जो कैटल अगर उनको खाएगी तो उनकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी तो उन्हें कहीं नहीं खाएंगी जैसे कि कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस को कभी भी कोई कैटल नहीं खाती है पूरी फील्ड में लगा हुआ है कैलो कैलोट्रोपिस नहीं खाएगी क्यों क्योंकि कैलोट्रोपिस क्या प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता है तो जैसे ही कैटल उसे खाएगी उसकी हार्ट में चेंजेस आएंगे तो वो क्या होगा वो अगली बार आएगी ही नहीं फीड नहीं करेगी वो अपने ये उसका डिफेंस हो गया ऐसे ही वेरियस प्लांट प्रोड्यूस निकोटिन कैफिन क्विनिन ओपियम ये क्या है ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आए थे वो तो बात अलग है कि हम इसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं क्लियर हुआ अभी मुझे बता दो फिर मोनार्क बटरफ्लाई क्या था मोनार्क बटरफ्लाई डिस्ट्रेसफुल हुई थी वो कौन सा मैकेनिज्म था तो उसने अपने आप को प्रिडेटर से बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था <coughs> बीटी कॉटन पढ़ा दिया बच्चे मैंने एग्जांपल्स याद हो जाएंगे बच्चे देखो अभी याद करते हैं एग्जाम्पल्स लो एग्जाम्पल्स याद करते हैं प्रिडेशन में प्रिडेशन में वो एक फिश थी जिसको हमने लेक से निकाल लिया तो उसने इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ वर्टी के बीच में तो उस फिश का क्या नाम था क्या नाम था उस फिश का फटाफट से बता दो आयुष कुमार कॉटन करा दिया है बच्चे <coughs> बताओ उस फिश का क्या नाम था एक फिश वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फिश वॉज रिमूव फ्रॉम द area then the various invertebrate ten different invertebrates jo hain wahan pe interspecific competition dikhane lage yes disaster bulletproof army yes you write very nicely disaster theek hai ab डिफेंस मैकेनिज्म सबने एक एक डिफेंस mechanism बताना है predator से prey अपने आप को बचाने के लिए predator से अपने आप को बचाने के लिए कुछ adaptations करता है उन adaptations के बारे में बता दो बच्चे मुझे के बारे में बता दो सभी को एक नई अडेप्टेशन लिखनी है सभी को एक नई अडेप्टेशन लिखनी है बच्चे बीटी कॉटन इज ओके आयुष ठीक है अभी समझी बीटी कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ डिफेंस आरएनए इंटरफेरेंस जो, जो टोबैको प्लांट बना था दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म येस विदरी गुड कैमोफ्लेज सराउंड के कलर को चेंज कर लेना और बताओ टाइगर एंड डियर क्या है मतलब बताओ हॉन्स नहीं होते बच्चे थोन्स ही होंगे कैमोफ्लेज हो गया मिमिक्री हो गया थोन्स हो गया और बताओ पॉइजन यस हम केमिकल पॉइजन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कौन सा प्लांट केमिकल ने डेवलप करता है तन में आप लेट चल रहे हो बच्चे जो हैं वो पॉइजनस स्नेक को मिमिक करते हैं ताकि उनपे प्रिडेटर अटैक ना कर पाए मोनार्क बटरफ्लाई में क्या था मोनार्क बटरफ्लाई अपने लार्वल स्टेज में एक ऐसे प्लांट पे फीड करती है जिससे क्या होता है वो पॉइजनस वीड प्लांट पे जिससे वो डिस्टेस्टफुल हो जाती है तो आप उसे खाने सुंदर बटरफ्लाई लेकिन डिस्टेस्टफुल क्यों प्रीडेटर से बचने के लिए कैलोट्रोपिस वेरी गुड यस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज इज अ कैलोट्रोपिस जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज रिलीज करता है जो कि कैटल की हार्ट बीट को चेंज कर देगी <coughs> घबराट होने लग जाती है उन्हें इसीलिए वो नहीं खाते हैं ठीक है ठीके? अब आ गया कंपटीशन कंपटीशन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं मुझे कंपटीशन की बात कर लेंगे कंपटीशन क्या होता है तो पहले आपको समझना होगा कि कंपटीशन ना दो तरह का हो सकता है एक तो होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन विद इन सेम स्पीशीज क्योंकि दे देयर रिसोर्सेज आर सेम उनको सेम चीज पे फीड करना है है ना और इंट्रा स्पेसिफिक इन बिटवीन सेम रुको वापस से गलत लिख रही इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीशीज बिटवीन टू स्पीशीज और इंट्रा स्पेसिफिक विद इन सेम स्पीशीज विद इन सेम स्पीशीज तो हम यहाँ जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो कौन सी बात करने वाले हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की बात करेंगे हाँ जी बच्चे अगर मैं क्वेश्चन आया कि मेथड्स टू शो द प्रोटेक्ट और डिफेंस मैकेनिज्म तो यही एग्जांपल्स लिखेंगे बच्चे आप उसमें ठीक है अब आ जाता है कंपटीशन दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो इंटरफेरिंग कंपटीशन अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं और दोनों में से एक की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो दूसरे को क्या होगा इनिबिटरी इफेक्ट मिलेगा ये सब कब होगा जब इवन आर अबंडेंट देखो क्या लिखा है इन्होंने एक शेलो लेक थी साउथ अमेरिका की जहां पे विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश कम्पीट फॉर देयर फूड उनका फूड क्या था जू प्लैंगटन एंड रेजिडेंट फिश का फूड क्या था सेम था और में था तब भी उनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा द रिसोर्सेज को लिमिटेड होने की जरूरत नहीं है में थे। जब रिसोर्सेज <coughs> याद रखोगे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और फिर भी कंपटीशन हो रहा है तो उस कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन ठीक है उसके बाद आता है आपका अनदर कोम एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको करना है दैट इज एल्बिंगन टोटवाइज इन गैलेपैगोज आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ड विद इन अ डिकेड फ्रॉम गोट्स वर इंट्रोड्यूज इन द आईलैंड टोट की ग्रेजिंग एफिशिएंसी क्या थी कम थी उनके लिए जो ग्रासेस थी वो अवेलेबल थी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इतने में नई ग्रासेस आ जाती जितने में वो पुरानी खत्म करते तो वो एबंडेंट थी बट ग्रास का ग्रोथ का रेट से ज्यादा ग्रेजिंग एफिशिएंसी गोट की थी गोट ने सारी ग्रासेस खत्म कर दी तो जिसके कारण अब बेचारे टोटोइस को भी उसका फूड नहीं मिलेगा तो ये क्या हुआ आपका ये भी क्या हुआ ये हुआ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यहां हमारे रिसोर्सेज क्या हैं लिमिटेड हैं रिसोर्सेज क्या हैं लिमिटेड हैं किसमें बच्चे स्मॉल और बिग बार्नेकल्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं विधि बताओ देखो क्या लिखा है कि दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में कंपीट कर सकती हैं जिसका एग्जांपल होगा आपका एंड फीडिंग ऑन एंड दिस इज कॉल्ड इंटरफेयरिंग कंपटीशन और ब्राउजिंग एफकेफिशियंसी पे भी डिपेंड करता है जब रिसोर्सिस लिमिटेड होंगे वो गॉज एक्सक्लूसिव में आएगा फिर आया कॉम्पिटेटिव रिलीज रिलीज़ को समझो क्वेश्चन आता है पे। जब एक species, एक तो कभी भी ये गोट्स बेचारे इस एरिया में जाते ही नहीं थे इन्हें पता ही नहीं था यहाँ क्या है क्यों क्योंकि लॉयन रहता था उन्हें डर लगता था बट अब बेचारा वो लॉयन मर गया तो अब गोट्स कहीं भी घूमेंगी

गॉस प्रिंसिपल ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से क्वेश्चन आना है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी पे परसों आपको क्वेश्चन मिलने वाला है तो ये क्या है कि अगर किसी एरिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो लिमिटेड वन विल सर्वाइव एंड इनफीरियर वन विल एलिनेटेड फ्राम द पॉपुलेशन इंफीरियर वन विल एलिनेटेड फ्राम द पॉपुलेशन फिर उसके बाद आता है आपका गॉज के बाद रिसोर्स पार्शनेटिंग रिसोर्स पार्शनेटिंग में क्या कहा जाता है कि अगर किसी एक पॉपुलेशन में बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं और उनको को एग्जिस्ट करना है एक साथ एग्जिस्ट करना है तो वो रिसोर्सिस को देख लें चेंज कर लेंगी मतलब जैसे एक ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स आ रहे थे तो वो कंपीट ना करें तो उसके लिए क्या कर लेंगे वो रिसोर्सेज को पार्शिनेट कर लेंगे मतलब सम विल फीड बर्ड्स सम बर्ड्स विल ईट द सीड्स एंड सम विल ईट स्टार्ट ईटिंग द लीव्स रिसोर्स पार्शिनेटिंग या फिर एक सुबह खा लेगा एक शाम को खा लेगा जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यू हैव अ मोबाइल एंड योर पेरेंट्स आर सेइंग कि आपको <coughs> आपको आपके ब्रदर या सिस्टर सिब्लिंग के साथ शेयर करना है तो आप शेयर कैसे करोगे एक की तुम सुबह देख लेना एक शाम को देख लेना या मैं स्कूल होऊंगा तो तुम देख लेना मैं मैं स्कूल दूसरा वाला अपने कहीं और जाएगा अपने वर्क पे तो तुम तो शेयरिंग वाला रिसोर्सेज रिसोर्सिंग टाइम को डिवाइड कर लेना या रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेना तो दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द गॉज रिसोर्स पार्शिनेटिंग उसे हम क्या कह रहे हैं रिसोर्स पार्शिनेटिंग रिसोर्स पार्शिनेटिंग समझ आया देखो बच्चे कॉम्पिटिशन में तीन चार टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन टर्म्स को मैं बता देती हूँ <coughs> उनको पढ़ लेना वन इज इंटरफेरिंग प्रिंसिपल इंटरफेयरिंग कॉम्पिटिशन फिर कॉम्पिटिटिव रिलीज कॉम्पिटिटिव रिलीज में आप बार्निकल्स वाला एग्जाम्पल दोगे देन गॉज कॉम्पिटेटिव रूल गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड फोर्थ वन इज रिसोर्स पार्शिनेटिंग रिसोर्स पार्शिनेटिंग पार्शिनिंग, पार्शिनेटिंग क्लियर है हाँ बच्चे गोस कॉम्पिटेटिव राइट होगा वहां पे ने किया था बट उसको आप यहाँ लिख सकते हो पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म आपको पता है कि जब एक host, जब एक एक होस्ट, ऑर्गेनिज्म दूसरे पैरासिटीज्मी एक्टो पैरासिटीज्म और एंडो पैरासिटीज्म तो और ब्रूड पैरासिटिज्म जैसे देखो यहाँ मलेरियल पैरासाइट की बात की है मलेरियल पैरासाइट की बात की है

और स्कुटा ग्रो कर रही है लाइसेस इन द हेयरस टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स कंबेंसिलिज्म एक को बेनिफिट दूसरे को हार्म हो रहा है एक को बेनिफिट दूसरे को हार्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कमेंसेलिज्म सी एनीमोन इन द टेंटेकल्स हैविंग अ स्टिंगिंग टेंटेकल्स एंड द क्लाउन फिश एक एग्जांपल हो गया ठीक है फिश अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है उसके टेंटेकल्स में फिश को बेनिफिट सी एनिमोन कोई फर्क नहीं पड़ा प्लांट पे ग्रो कर रहा है, को है।, है अरगट क्या है अरगट का जो एग्जाम्पल आता है बच्चे वो क्या है देखो कैटल के ऊपर ना एक बर्ड बैठता है जिसे हम अर्गट कहते हैं और वो इंसेक्ट खाता है अब बहुत बड़ी बड़ी पुशीज है झाड़ियां हैं जहां पे वो इंसेक्ट बर्ड इंसेक्ट को ढूंढने नहीं जा सकता छोटे छोटे मच्छर को कहाँ देखने जाएगा तो वो बहुत स्मार्ट है वो क्या करता है के बाहर उड़ के तो वो उनको खा लेता है ठीक है तो कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ा और अर्गढ़ को बेनिफिट हो गया उसको उसका फूड मिल गया तो दैट इज कमेंसलिज्म जब एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को हार्म हो रहा है तो दैट इज आवाज कम आ रही है बच्चे इज इट लाइक दैट कि किसी को भी और भी मेरी आवाज कम आ रही है म्यूचुअलिज्म <coughs> के अभी हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे बच्चे म्यूचुअलिज्म में जो मेन है पॉलिनेशन वाले एग्जाम्पल होंगे और यहाँ पे ये जो मेन है वो है आपका सूडो कॉप्यूडो पॉपुलेशन सुडो पॉपुलेशन क्या होता है बच्चे सूडो पॉपुलेशन क्या होता है बंबल भी होती है ना जो वो ऑर्चिड

ऑर्चिड ठीक है और फायरस ठीक है और बंबल बी में आवाज सही है ना ठीक है ठीक है बच्चे तो ये हो गया हमारे म्यूचुअलिज्म के example. ये मैंने आपके लिए सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं पढ़ लो लर्न कर लो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चे विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन वॉज शोन बाय ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री कमेंसलिज्म अर्गट एंड क्रेजिंग कैटल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है इट इज कमेंसलिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो कमेंसलिज के एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है वो सी एनिमोन अपने प्रिडेटर से बच जाता है या मूवमेंट लोकोमोशन शो कर लेता है अर्गट एंड ग्रेजिंग एक्सप्लेन किया म्यूचुअलिज्म

रिसोर्स में दो स्पीशीज सेम स्पीशीज सेम रिसोर्सेज पे फीड कर रही हैं तो एट डिफरेंट टाइम फीड कर सकती हैं या फिर एक ही जगह पे एक ही हैबिटेट में रह के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पे फीड कर सकती हैं तो दैट इज रिसोर्स रिसोर्सिंग कॉम्पिटेटिव रिलीज अभी एक्सप्लेन किया मैंने बच्चे आपको डिटेल में इसमें आप बारनेकल वाला एग्जाम्पल लिखोगे कि सुपीरियर स्पीशीज के प्रेजेंस में इंफीरियर स्पीशीज पूरे अच्छे से वहां पे अपने हैबिटेट में एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हैं बट जैसे ही हम सुपीरियर स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली रिमूव करते हैं तो स्पीशीज फ्लरिश करना शुरू कर देती हैं। का एक ही है नाम पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल लिखे हैं लाइसिस इन टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स एंड कस्कूटा आर द एक्ल ऑफ एंडो पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंड टेप फॉर्म ब्रूड पैरासिटीज्म

हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम बेस क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे अप्रॉक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू सो मच थैंक यू बच्चे मिलते हैं नाइन थर्टी वाले सेशन में वहाँ डिस्कस करेंगे फिर अब चीज़ों को